ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कोई खास नहीं रहने वाला है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमारी राय ये है कि आप किसी से बेवजह ना उलझें, अन्यथा जो परिणाम होंगे वो नकारात्मक होंगे और वो नकारात्मक परिणाम आपको हानि पहुंचा सकता है। तो अननेसेसरी बहसबाजी बिल्कुल ना करें। इस समय आप खुद को कोई भी निर्णय ले पाने में असमर्थ महसूस करेंगे, तो आप कोई अननेसेसरी निष्कर्ष ले ही नहीं। सिंह राशि के जातक परिवार में किसी सदस्य की बात से आहत हो सकते हैं। गृहस्थी के कार्यों में थोड़ी सी प्रगति हो सकती है। परिवार में किसी की बात से आपका मन दुखी हो सकता है। जमीन जायदाद में कुछ अड़चने आने की संभावना है। आशंका तो ऐसे ही दिख रहा है सिंह राशि वालों के लिए। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, तो जो आप खर्च करेंगे आप थोड़ा सा मुट्ठी पकड़ के खर्च कीजिए, ज्यादा खर्च मत करें क्योंकि आर्थिक स्थिति में गिरावट रहेगी। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो आपके कान का प्रॉब्लम हो सकता है, कान में परेशानी हो सकती है। वैवाहिक स्थिति में थोड़ा सा तनाव रहने की उम्मीद है, तो बेहतर है कि आप थोड़े से बहसबाजी से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, प्रेम प्रसंग जिनका चल रहा है, लव अफेयर चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप जल्दबाजी ना दिखाएं, उधारी बिल्कुल ना दें। नौकरी के लिए भी समय बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अप्लाई करते रहिए नौकरी के लिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस चीज़ के लिए उम्मीद करना कि इस महीने आपको नौकरी लग जाएगी, उस उम्मीद पे मत बैठना। अपनी महिला साथी से सचेत रहें और व्यापार करने वाले उधार ना करें, ना लें और ना दें। ले लोगे तो दे नहीं पाओगे, दे दोगे तो लो नहीं पाओगे, ये वाली हालत है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।